this is Ira Shiraz from class 8 and today I am representing Lancer Pre-Medical Academy. Aaj jo hamare topic hai wo hai imaginary numbers. Eulo gave the concept of imaginary numbers. Imaginary numbers ka concept jo hai wo ek great mathematician Euler ne diya tha. According to him, those numbers which include iota are called imaginary numbers. इसने कहा वो नंबर्स जिनके साथ आयोटा आता है वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 iota, 5 iota एक्स्ट्रा. बट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस आयोटा का वैल्यू क्या है. इसके लिए हमें यूलर ने एक फॉर्मूला दिया जो कि है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1. एंड वी ऑल नो दैट जब स्क्वायर ट्रांसपोज होता है तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है. तो आयोटा का वैल्यू आता है स्क्वायर रूट माइनस 1. तो यूलर ने यही कहा वो नंबर जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है. और हम ये भी कह सकते हैं वो नंबर जिसके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की सिंबल हो वो भी इमेजिनरी नंबर कहलाता है. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट माइनस 3, इसको हम फर्दर इलाबरेट कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू 3, क्योंकि इससे इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और जैसे कि मैंने आपको बोला आयोटा का वैल्यू है स्क्वायर रूट माइनस 1, तो हम स्क्वायर रूट माइनस 1 के बदले आयोटा का यूज़ करेंगे और अंडर रूट 3 सेम ही रहेगा. तो हमें इससे ये भी क्लियर होता है वो नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की सिंबल होती है वो भी इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं. दैट्स ऑल अबाउट इमेजिनरी नंबर्स. थैंक यू.